नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों में इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा प्रमुख नाम है। शैलजा को सिरसा से, दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार उसने हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अंबाला से वरुण चौधरी और हिसार से जयप्रकाश, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप पर भरोसा जताया है। और वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विरोधी गुट में शामिल माने जाने वाले नेताओं के बीच लंबी खींचतान और पार्टी में गहन मंत्रणा के बाद हरियाणा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। और साथ ही हालांकि अभय गुरुग्राम के लिए पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस 9 सीट पर और आम आदमी कुरुक्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का टिकट कट गया है। और कांग्रेस में जिस तरह से 8 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है कि उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाने वालों को ही टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अब चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मर्जी उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हो, लेकिन बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्योंकि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने मालूम है श्रमिक की गरीब की समस्याएं क्या है। नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, उसको मालूम है कि देश के गरीब की समस्याएं क्या है। आज देश का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है। रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई। अब लिस्ट बाहर आ गई है, लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है। जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी, अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी है। वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगे। नहीं, अब कौन किसका क्या है ये तो ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं। अब ये पता लगेगा आगे कौन कौन कहाँ का क्या करता है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है ये माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि नॉन इशू को इशू बना रहे थे और वो तो रोने का इशू बना रहे थे, क्योंकि उनको हार लिखी सामने नजर आ रही है। तो वो तो ये इशू बना रहे थे कि भाई जब बाद में रोना है तो वीवी पैट का नाम ले लेके रोना है। अब किसी और चीज का ढूंढ लेंगे, किसी और चीज का करेंगे, चुनाव आयोग का कर देंगे, कई बार किसी और का कर देंगे। रोना तो इन्होंने है ही है। उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और साथ ही कांग्रेस ने गुरुवार को हरियाणा की 8 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए और इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा प्रमुख नाम है। शैलजा को सिरसा से और दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार उसने हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अंबाला से वरुण चौधरी, हिसार से जयप्रकाश, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप पर भरोसा जताया जा रहा है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके विरोधी गुट में शामिल माने जाने वाले नेताओं के बीच लंबे खींचतान और पार्टी में गहन मंत्रणा के बाद हरियाणा के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि अभय गुरुग्राम के लिए पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 9 सीट और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की एकमात्र सीट
से चुनाव लड़ेगी और साथ ही वही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का टिकट काटा गया है। कांग्रेस में जिस तरह से 8 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि अब उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाने वालों को ही टिकट दिया गया। वहीं चर्चा में खा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी ओपी शर्मा, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद हरियाणा में किस सीट पर क्या समीकरण है? ओपी शर्मा, देखिए जो कि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो अब एक तरह से समीकरण पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। मुकाबला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो दिखाई दे रहा है, और जेजेपी की बात करें या फिर इनेलो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक ही एक ट्रायंगल बनाने की जो है वो कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल दो कोने जो के जो है वो मुकाबले देखने को जो मिले। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला के जो स्वर्गीय सांसद थे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी रतन लाल कटारिया, उनकी तकरीबन तो कटारिया जो है वो चुनाव लड़ रही है और उनके मुकाबले जो है वो टिकट जो है कांग्रेस ने जो बुलाना से विधायक वरुण चौधरी हैं उनके उनको दिया है। उनके पिता की अगर हम बात करें तो वो पहले भी जो है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी बात करें तो वो जो है वो हरियाणा सरकार में जो मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बड़ा नाम हरियाणा के है, 4 बार उनके पिता रह चुके हैं और पहली बार उनके बेटे पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो उनका कार्यकर्ताओं के लेजे से माने तो एक अच्छी बात है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की फोटो भी, क्योंकि पिता प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया की माने तो जो अम्बाला लोकसभा सीट उसके अंदर 6 बड़े एक कह सकते हैं कि शहरी साउथ के इलाके हैं जिनमें अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, जगाधरी, यमुनानगर और पंचकुला और ये पिंजौर कालका, ये जो शहरी क्षेत्र आता है जो भारतीय जनता पार्टी को शहरी क्षेत्र की पार्टी बोलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो मुकाबला काफी जो है वो मजबूत स्थिति में जो पहुंच गया, यहाँ भी अभी 2 कोने मुकाबले जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुकाबले कांग्रेस के जो युवा नेता बिहार से गुजरा थे उनको तारा गया। हालांकि एक नया चेहरा है लेकिन यूथ के हिसाब से वो लंबे समय से हरियाणा के इन मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुकाबले में कमजोर कैंडिडेट जरूर दिखे, लेकिन राजनीति है, इसमें कमजोर किसी को मानना नहीं चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री देवीलाल थे उनको भी एक 35 साल के छतरपाल नाम के हरियाणा के युवा नेता ने जो है उनको शिकस्त दे दी। तो लेकिन फिलहाल अगर देखें तो मनोहर लाल जो है करनाल से इनके भारी जो दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम सोनीपत की बात करें, सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे दोनों ही ब्राह्मण समुदाय के हैं, एक हरिद्वार के रहने वाले और दूसरे जो है खुद सोनीपत हल्के के गांव के रहने वाले। तो ऐसे में सोनीपत के ऊपर काफी जो है उदारमदार देखने को मिल रहा है। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया है और 3 बार वो पहले सांसद बन चुके हैं। वर्तमान में वो यहाँ से जो है राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो करीबन 7,000 के आसपास वोटों से जो है वो हार गए थे। लेकिन इस बार थोड़े से किसान आंदोलन के बाद थोड़े समीकरण बदले हुए, तो इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरविंद शर्मा है उनको वो थ्रू जो है वो वहां पे नाप ले, उनको कड़ी मशक्कत जो करनी पड़ेगी। साथ ही इन लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं जो है विरोध भी जो रोहतक सोनीपत हिसार हल्कों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जो है देखने को मिल रहा है। सिरसा की बात करें तो सिरसा से कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने टिकट दिया। कुमारी शैलजा पहले 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी है, उनके पिता 4 बार लगातार जो है श्याम सांसद जो वो रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम उनकी बात करें तो मुकाबला टफ है। कांग्रेस ने अशोक कंवर, भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कंवर को टिकट दिया। अशोक कंवर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस सीट के ऊपर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही अतीत में जो है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हिसार से। जो जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया वो भी 3 बार हिसार लोग
लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, हिसार के बरवाल हल्के से विधायक और सतपल की कलायब हल्के से निर्दलीय विधायक जो है वो कहीं ना कहीं रह चुके हैं, तो एक बड़ा नाम है जो हिसार की राजनीति में। ठीक है ओपी शर्मा, लौटूंगी आपके पास लगातार हमारे साथ सोनीपत से लाजपत में हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा का प्रमुख नाम है। कांग्रेस के लिस्ट आने को लेकर सियासी हवा किस ओर बैठ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत बसता है और दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी बताए गए हैं, दोनों ब्राह्मण जाति से हैं और सोनीपत एक जाट बेल्ट बताई गई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जाट बेल्ट किसकी तरफ ज्यादा रुख पड़ताती है, क्योंकि चुनाव का दौर अब दूर नहीं रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि सोनीपत का इतिहास कभी से रहा है कि चौधरी देवीलाल के नाम से दो बड़ी पार्टियां अपने आप को आदमी चौधरी देवीलाल का नाम करते हैं। लेकिन सोनीपत में उस वक्त ये वक्त भी देखा गया था जब लोग बुजुर्ग व्यक्ति थे जो एक बार हवा भरते थे और उसको फिर पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज हालात दूसरे तरीके के हैं, हर व्यक्ति शिक्षित है। उस समय की बात करें तो तीन बार उनको सोनीपत ने हराया था चौधरी देवीलाल को, और भूपेंद्र हुड्डा एक गढ़ माना जाता है सोनीपत, लेकिन पांच विधायक बड़े होने के बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा खुद बड़ा चेहरा थे जो सोनीपत के चुनाव जिनके खड़े हुए थे और उनको भी इस वक्त हरा दिया गया था। अब फिर वही स्थिति है, सोनीपत के वोटर के सामने बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा दिमाग पर बोझ है, क्योंकि वही टाइट फिर से है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा उनकी बैक में है और उनके नजदीकी बताए गए हैं। सोनीपत की जनता से जान लेते हैं, युवा है, सबसे पहले युवा से ही बात कर लेते हैं। आपके सामने काफी बड़ी चुनौती है क्योंकि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत बसता है और उनकी यहाँ पर वोट बैंक भी है। आपके बड़े बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल को तीन बार हराया, भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा। भूपेंद्र हुड्डा तो आपके सामने थे, बड़ा चेहरा था। लाजपत लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बिजेंद्र नेहरा चर्चा में आपका जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। बिजेंद्र नेहरा जी, लंबे वक्त से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि लिस्ट जारी नहीं हुई है, अब बीजेपी कितनी चुनौती मान रही है क्योंकि समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है? बिजेंद्र नेहरा जी, बिजेंद्र नेहरा जी आपको आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, रुक कर लेती हूँ। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी, बिजेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी बता दें कि उनके टिकट नहीं काटा गया है, वहीं उदयभान का बयान भी सामने आया था कि क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी के आधार पर टिकट काटा गया है, क्या बिजेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी लॉयल नहीं है? देखिए पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी हर डिबेट में जुड़ता हूँ, रोज मुझे आप जोड़ते थे, आज सबसे पहले तो आप मुझे बधाई दीजिए हमारी सीटें डिक्लेयर होगी। मैंने आपको कहा था 25 तारीख को सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, बीजेपी प्रवक्ता सभी साथी पूछते थे टिकट कब डिक्लेयर होगी, अब हमारी टिकटें डिक्लेयर हो चुकी है और हमने सभी जातियों समीकरण को ध्यान रखते मजबूत कैंडिडेट बना रहे हैं। हर जाति के हिसाब से ब्राह्मण चेहरा भी दिया है, सब चेहरे दिए हैं। देखिए श्रुति चौधरी उनकी बात नहीं, जिसे हाईकमान उतारेगा वो चेहरा होगा और वो सब कांग्रेस के साथ है, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, सब एक दूसरे जितवाने काम करेंगे। हमने समीकरण ऐसा दिया है, बीजेपी की बोलती बंद होगी, आप देखना जो उनकी 10 सीटें जीत कर ना रहे थे उनकी हवा निकल जाएगी। ये 10 सीट क्या, ये एक दो सीट भी नहीं, दो तीन सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। और देखिए हमने सारे चेहरे जो मजबूत उतारे हैं, सोनीपत से ब्राह्मण चेहरा और महेंद्र प्रताप जी फिरजाबाद से जो कि तीन चार बार कैबिनेट मंत्री बन रह चुके हैं, आप इनको टिकटों का ध्यान तक कौन से कैंडिडेट उतारेंगे? आप हमने इतने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं, अब इनकी हवा निकल चुकी है, अब इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। दूसरा आप देखिए टिकटे डिक्लेयर होने से पहले जनक रोड रैली के माध्यम से हाथ से हाथ जोड़ो माध्यम से पिछले तीन महीने से कांग्रेस सक्रिय थी पूरे हरियाणा में, चाहे हमारे प्रदेश उदयभान जी हो, सीएलपी लीडर गोविंदर सिंह हुड्डा जी हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, सब ने पूरा हरियाणा नाप दिया था 90 की 90 विधानसभा के, हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार है। आप इनके बस कहने को कुछ नहीं बचा, अब ये दूसरे इल्जाम लगाएंगे कि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दी, उसको नहीं दी, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी जिसे सेवा का मौका देगी वो सेवा करेंगी। जी
ठीक है नीरज गुप्ता जी, बने रहिए हमारे साथ लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, लंबे वक्त से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि लिस्ट जारी नहीं हुई है, अब बीजेपी कितनी चुनौती मान रही है क्योंकि समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है। विजेंद्र नेहरा जी, देखिए मैडम, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वही इसको तय करेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आज 27 अप्रैल को भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की सभी लोकसभा की सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, अभी भी इन्होंने पूरी घोषणा नहीं करी है। दूसरा, ये जो मजबूत की बात कर रहे हैं, मजबूत नहीं, ये मजबूर कैंडिडेट उतारे हैं। ये वो कैंडिडेट उतारे हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, बलि का बकरा नहीं बनना चाहते थे। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं मैडम, मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर महेंद्र प्रताप जी पिछले लगभग 15 साल पहले ही राजनीति से संन्यास ले चुके थे। उन्होंने अधिकृत रूप से टीवी पे आके बयानों में घोषणा कर दी थी कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस बार भी वो बार बार टिकट लेने से मना कर रहे थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, परिणाम सबको पहले से पता है। इसलिए ये मजबूत कैंडिडेट नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मजबूर कैंडिडेट है। और पूरे हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, देश की जो जनता है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री, तीसरी बार मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को देने का मन बना चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 की तरह, जैसे 19 में भी ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, बड़बोली बात करते थे, इनकी जनता ने जमानतें जब्त करने का काम किया, सब जगह इनकी बुरी हालत हुई, 2019 की तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़े अंतर के साथ में 10-10 लोकसभा करनाल उपचुनाव का विधानसभा उपचुनाव चुनाव हम जीतेंगे। क्योंकि देखिए, जब इन्होंने टिकटों की घोषणा की है, वो भी पूरी नहीं की है, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी 70-80% चुनाव का प्रचार खत्म कर चुकी है। अब ये अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और हमने 80% चुनाव प्रचार अपना समाप्त कर लिया, जनता के बीच में डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारी हो चुकी है। आप मुझे बताइए, एक महीने का भी समय अब नहीं रहा है, क्या 20 दिन के अंदर ये जनता के बीच में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और जनता जानती है, समझती है, हर चीज को देखती है। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से फूट है, जिस तरह से आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, ग्रुप है, इतना लेट जो टिकटों में ये लोग हुए हैं, उसके पीछे कारण है कि एक दूसरे का कांटा निकालने में लगे हुए हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि आप लड़ लीजिए, वो कहते हैं हुड्डा साहब को लड़ना चाहिए, हुड्डा साहब कहते हैं पिछली बार मैं चुनाव लड़ा, हार गया, वो मेरी गलती थी। इस बार हुड्डा साहब को भी पता है, जिनके भरोसे कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए पिता पुत्र। इस बार भी इनकी ऐसे ही बुरी हालत होनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां संगठनात्मक रूप से कमजोर है, नेता और नीति नहीं है, बिना ड्राइवर की गाड़ी है। मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने समय पे बताएं कि इनका जो एनडी गठबंधन है, उसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ये बिना ड्राइवर की गाड़ी है। हमारे पास में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी गाड़ी में 140 करोड़ देश की जनता सवार होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जो भारत के भविष्य को लेकर चलता है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान और नाम को बढ़ाया है, जिसका नाम एक विकास पुरुष के रूप में देश की जनता लेती है, जिसने भ्रष्टाचार से रहित एक सरकार दी है। इनकी जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार से युक्त थी, हमने भ्रष्टाचार से मुक्त एक सरकार दी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भयंकर परिवारवाद है, आप देखो, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति समाज के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए धर्म के नाम मैं बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैडम देखिए, मैं बताऊं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, आपको बता देता हूं मैडम, वो भी कंप्लीट कर रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी बने हुए हैं, कंप्लीट कर रहा हूं, आपको समय दिया जाएगा, कंप्लीट कर रहा हूं, जी जी कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। ठीक है मैडम, सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। देश का एससी एसटी ओबीसी कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, जिस तरह से मुसलमानों को जबरदस्ती आरक्षण देने में तुले हुए हैं। कर्नाटक में ओबीसी का हक छीन करके इन्होंने मुसलमानों को देने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कंप्लीट कर रहा हूं मैडम 10 सेकंड में, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, इस देश का जो हमारा समाज है, वो इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये राम की द्रोही पार्टी है, भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करने वाली पार्टी है, राम सेतु को तोड़ने की बात करने वाली पार्टी है, भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण में नहीं जाने वाली पार्टी है, और इस पार्टी को देश की जनता। ठीक है विजेंद्र नेहरा, लौटूंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ नीरज गुप्ता भी बने हुए हैं। नीरज गुप्ता, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और बताया गया कि बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि मजबूरी में उम्मीदवार उतारे गए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या जवाब देंगे?
बड़ी खुशी है, इन्होंने ऐसी बात की, फिजाज से आते हैं, इनका ध्यान ही हमारी पार्टी में, इनका पूरा फिजाज से आते हैं, मैं भी फिजाज से आता हूँ, इनकी पूरी दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी में, ये हमारे कैंडिडेट के बारे में जानते हैं, वोट लगाना नहीं चाहते, इनको ज्यादा पता है, इनको ज्यादा पता, मजबूर नेता है, मजबूत नेता है, ये हमारी पार्टी के बारे में ज्यादा जानते हैं। और आपसे पहले विकास की बात करते हैं, 75 साल में तो विकास हुआ ही नहीं, महाराज जिस मोबाइल पे आप लेके डिबेट कर रहे हो ना, ये कांग्रेस की देन है, और जिस संविधान के अंदर आपका ये प्राइम मिनिस्टर बना है मोदी जी चाय वाला, वो संविधान भी कांग्रेस की देन है, भूल गए क्या आप? विकास की बात करते हो, जब देश आजाद हुआ था यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, जिस हवाई जहाज में आप जाते हो वो भी कांग्रेस की देन है। ऐसे नित्य प्रत्ये रोप मत लगाइए अपनी बीजेपी की, हालत देखिए, बीजेपी 2 सीटों की पार्टी हुआ ध्यान में, अरे आपको तो इतनी भी शर्म नहीं है, सत्ता के लालच में 2019 में जसपा के खिलाफ इलेक्शन में जसपा को गाली देते थे, भ्रष्टाचार की पार्टी है, और जसपा से ही गठबंधन कर लिया, आप शिष्टाचार की बात करते हैं, आप अपने को आप हो क्या? और फिर दूसरी पार्टी बात करते हैं, हमारे जो मजबूत कैंडिडेट और मजबूर कैंडिडेट हो, हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, आप अपने देखिए ना क्या मामला है, आप में से किसी में हिम्मत है? अब रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं, उनके बराबर तो आपकी पार्टी पूरी पार्टी में तो नेता नहीं है, ना अब तक है ना होगा। मैं सीधा चैलेंज देता हूँ अपने मुख्यमंत्री को, कह रहे भूपेंद्र हुड्डा के सामने लड़िए, और जमानत जब हो जाएगी, आपने तो 5-10 साल में 2 सीएम दे दिए, अगर सीएम सही होते तो नायब सैनिक सीएम शिमला बनते, आप फरीदाबाद से आते ना, तो फरीदाबाद एनआईटी में आपके मुख्यमंत्री आए थे, 1500 आदमी थे, कुर्सियां खाली थी, कहो तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, हमारे एक जनरल सभा भी करे, अगर विधानसभा का भी पारित करते विजय प्रताप जी करें, तब भी 8000-10000 आदमी हो जाते हैं, और आपके मुख्यमंत्री 1500 आदमी नहीं बन पाए, आप फरीदाबाद से, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप गए भी होंगे, तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, हमारी पार्टी मजबूत है, रही हमारी संगठन नहीं है, अरे बिना संगठन की 32 सीटों पर आ गए, संगठन हमारा तैयार है, सिर्फ नाम देना बाकी है, कार्यकर्ता हमारे उतरे पड़े, आप अभी की बात कर रहे हो, हमने 3 महीने पहले रहना पूरा नाप दिया, 90 विधानसभा सीटें, आप तो अभी घुसे हो, और आपको कहीं गांव में घुसने नहीं दे रहा, आपके नाम की तख्ती पलटी हुई है कि बीजेपी नेता वाला नहीं आएंगे, आप संगठन की बात करते हो, इसलिए आप हमें नाप सिखाएं, जितनी पार्टियां निकली ना कांग्रेस पार्टी से निकली है, आधे नेता आपके पास हमारी कांग्रेस की देन है, वरना आपका सपना क्या है? और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है, आप भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेते हो और उनको फिर वाशिंग मशीन में धुलाई करके साफ कर देते हो, कहा कि दो भाई ये प्रैक्टिस है। नीरज गुप्ता जी, अगर आपकी पार्टी पहले से सक्रिय थी तो इतना लेट लिस्ट आई है, और आप देखिए मैडम, मैं ये बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हाँ जी जी, नीरज गुप्ता जी, अगर आपकी पार्टी इतनी सक्रिय थी तो आप बीजेपी के सामने अपने जो अपने कैंडिडेट पहले आप लिस्ट उतार देते, पहले कॉन्फिडेंस तरीके से आप लिस्ट जो है वो जारी कर देते, इतने अब देरी क्यों हुई लिस्ट जारी करने में? प्रवक्ता को ज्ञान नहीं है, पिछले लोकसभा की आप सीटें देखिए, पिछले जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उससे पहले 15-20 पहले दिन सीटें डिक्लेयर हुई हैं, आपकी बार किसी को पता नहीं था इलेक्शन कमीशन हरियाणा के इलेक्शन इतनी देर कराएगा 25 मई के, जब घोषणा हुई तो 2 महीने का टाइम बाकी था, 2 से 2.5 महीने का टाइम बाकी था, किसी को नहीं पता हरियाणा के चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव देखिए 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर हुई हैं, इतना फर्क पड़ा है, बीजेपी ने 10 दिन पहले कर दी, हमारी 20 दिन बाद हुई है, और पूरा 1 महीना ये बात को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेता लड़े कांग्रेस की नीतियां तैयार है, आप इनको खड़े कर देंगे, इंडिया गठबंधन मजबूती से मुकाबला करेगा, और रही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भैया का टाइम आएगा वो भी बता देंगे, आपके अलावा नहीं देखिए मोदी के पास अलावा मोदी छोड़ के आपके पास दूसरा ड्राइवर कौन है बताओ मुझे आप? ठीक है नीरज गुप्ता जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बिजेंद्र नेहरा जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लाजपत सोनीपत से संवाददाता थे, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि लगातार कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का लगातार आरोप जारी है, और साथ ही बता दें कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस की चुटकी लेती हुई नजर आ रही है, और कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा के चहितों को ही लिस्ट में जगह मिली है, उनके उम्मीदवारों की घोषणा जो हुई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहितों को जगह दी गई है। तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब 4 जून को साफ हो पाएगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ, नमस्कार।